आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। घाटी में आतंकियों ने की एक और हिंदू की हत्या, राजस्थान के बैंक अधिकारी को मारी गोली। कश्मीर घाटी में लगातार हिंदुओं की हत्या की जा रही है। गुरुवार को एक बार फिर आतंकियों ने एक बैंक कर्मी विजय कुमार की हत्या कर दी। इससे पहले मंगलवार को भी आतंकियों ने कुलगाम में हिंदू महिला शिक्षक की गोली मारकर हत्या की थी। घाटी में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या से फैली दहशत, 100 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों ने किया पलायन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शिक्षिका और अब बैंक कर्मी की हत्या के बाद फैली दहशत से 100 से अधिक कश्मीरी पंडितों ने घाटी से जम्मू की ओर पलायन कर दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, जिला मुख्यालयों में शिफ्ट होंगे हिंदू कर्मचारी। जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित सरकार ने घाटी में कार्यरत अल्पसंख्यक कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पर एक हफ्ते में कार्रवाई शुरू होगी। सत्येंद्र जैन के बाद अब सिसोदिया की है बारी, सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में फंसाने की तैयारी कर रही है। सोनिया गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव, कई नेता भी निकले संक्रमित, रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी। सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, यह जानकारी पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी है। फिलहाल सोनिया गांधी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हार्दिक पटेल गौ पूजन कर भाजपा में हुए शामिल, बोले देश के गौरव हैं पीएम मोदी। हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में रूस, 1000 जवानों को खास मिशन पर लगाया। यूक्रेन के खिलाफ रूस आखिरी जंग की तैयारी कर रहा है। अब रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए एक खास प्लान पर 1000 सैनिकों को लगा दिया है। पंचतत्व में विलीन हुए के बेटे ने दी मुखाग्नि, हमेशा के लिए अलविदा कह गए कृष्ण कुमार कुन्नाथ। गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ यानी के पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। मुंबई के वर्सोवा श्मशान घाट में के का अंतिम संस्कार हुआ, बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की लखनऊ के लोकभवन में आयोजित हुई स्क्रीनिंग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी कैबिनेट के साथ देखी मूवी। लखनऊ के लोकभवन में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसके लिए अक्षय कुमार सहित पूरी फिल्म की स्टार कास्ट लोकभवन में पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखी। नवसंकल्प शिविर में प्रियंका ने 2024 की तैयारियों पर दिया जोर, बोली हम न थकेंगे और न ही रुकेंगे। लखनऊ में आयोजित नवसंकल्प शिविर में प्रियंका गांधी ने 2024 की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वह दोगुनी मेहनत करेंगी, तब तक लड़ेंगी जब तक जीतेंगी नहीं। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। आज 15,000 के पार पहुंचा सोना, चांदी भी पहुंची 61,000 के पार। आज सोने चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोना 51,000 के पार पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलो चांदी के रेट 61,000 को पार कर गई है। एयर विस्तारा पर डीजीसीए ने लगाया 10 लाख का जुर्माना, यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ का लगाया आरोप। डीजीसीए ने एयर विस्तारा द्वारा कम अनुभव वाले पायलट से इंदौर में फ्लाइट लैंडिंग कराने को लेकर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यूपी में टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। एक तरफ फिल्म देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य में टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ फिल्म को कुवैत और ओमान में बैन कर दिया गया है। मेरठ के ममाना में दोस्तों ने की जिगरी यार की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सील कर जांच शुरू की। मेरठ जिले में ममाना कस्बे की अशोक विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े दोस्तों ने अपने जिगरी यार शुभम की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर विष्णु कौशिक ने जांच शुरू कर दी है।
मेरठ में वाहन चोरी और लूट के आरोपी पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर शान मोहम्मद के घर पर लगाई सील। मेरठ में वाहन चोरी और लूट के आरोपी पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कुर्की की यह कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर शान मोहम्मद के घर पर सील लगा दी है। सपा ने विधान परिषद के लिए प्रत्याशियों के नाम किए फाइनल। सोबरन सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, इमरान मसूद और अरुण राजभर का नाम करीब करीब तय। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने करहल सीट छोड़ने वाले सोबरन सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, इमरान मसूद और अरुण राजभर को हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे से पूर्व तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। कानपुर देहात में परौख गांव के मिलन केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री। कानपुर देहात के गांव परौख के मिलन केंद्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों को परखने पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गांव परौख 3 जून को आएंगे। निवेशकों के स्वागत में दुल्हन की तरह सजी राजधानी लखनऊ। कल होगी यूपी की थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन। कल यानी शुक्रवार को लखनऊ में निवेशकों की थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन योगी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में देश दुनिया के तमाम धन कुबेर मौजूद रहेंगे। आज मेरठ के परीक्षितगढ़ बिजली घर पर भाकियों ने दिया धरना। बिजली विभाग का घेराव कर मीटर वापस लेने की उठाई मांग। आज मेरठ जिले में परीक्षितगढ़ कस्बे के बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया। दरअसल बिजली विभाग ने किसानों के नलकूपों पर बिना बताए मीटर लगा दिए थे। विरोध में भाकियों ने बिजली विभाग का घेराव कर मीटर वापस कराए। रुड़की में अवैध निर्माण पर हुई बड़ी कार्रवाई। 2 मॉल पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने लगाई सील। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने शहर में निर्माणाधीन 2 मॉल पर सील लगा दी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह के साथ HRDA के अधिकारियों की टीम भी मौके पर मौजूद रही। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।